चलिए, शुरुआत में जो सवाल मैंने आपके सामने रखा था वो बाजार की आज की दशा को लेकर था। कल का मोमेंटम थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि 20,000 को होल्ड किए हुए हैं। आज के सत्र का अंत कहाँ तक आपको लगता है कि हो जाना चाहिए ताकि ये मोमेंटम जो है आगे और बढ़ता हुआ दिखाई दे? और साथ ही बैंक निफ्टी पर मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन पहले आप निफ्टी के लेवल्स बता दीजिए एक बार। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो डेफिनेटली यू सेड के 20,000 का, अगर आप आज की बात करें तो 20,000 के पुट ऑप्शन और 20,100 के कॉल ऑप्शन में एक राइटिंग देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है ये रेंज के अंदर निफ्टी जो है वो एक्सपायर होने के चांसेस ज्यादा है, बट फिलहाल हम लोग 20,000 लेवल के ऑल टाइम हाई के काफी करीब है। और अगर आप ग्लोबल सेंटिमेंट की अगर बात करें तो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव सरप्राइज भी देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि फिलहाल अगर बात करें तो 20,000 से नीचे एक्सपायरी आए या बंद आए मार्केट, ऐसी उम्मीद काफी कम लग रही है मुझे। 20,100 या 20,100 के आसपास जो है वो एक्सपायरी आए, उससे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कल के हमने एक शानदार रिकवरी देखी थी, और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी लोअर साइड जो है वो ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन के लेवल से आ गया है। 47,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया निवेश, आपने समय निकाला और आज दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। ईटी नाउ स्वदेश सभी भारतवासियों को बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। इसके लिए सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ निवेश डे लॉन्च किया जा रहा है, और ये मुहिम देश के सभी लोगों को अनुशासित तरीके से लगातार अपने पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो को बनाने में मदद करेगी। ईटी नाउ स्वदेश और सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ जुड़िए और सीखिए कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में SIP करके अपने वित्तीय भविष्य को आप मजबूत कर सकेंगे। 5 दिसंबर को ईटी नाउ स्वदेश पर देखिए निवेश डे दे।